सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्ट्रीट सर्कल फोटो एडिटिंग। अगर आप भी अपनी फोटो इस तरह एडिट करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो इस तरह का फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें पिक्सआर्ट को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ प्लस पे साइन करना है, पीआर पे। उसके बाद अपनी फोटो ले लेनी है। उसके बाद टूल्स पे क्लिक करना है, ये वाला सेकंड लाइन में तीसरे ऑप्शन पर स्ट्रीट पे क्लिक करना है। उसके बाद पावर को फुल कर देना है, इसको 70 के करीब रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको वापसी क्लिक करना है वर्क पे। उसके बाद इस तरह ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसा मैं करना इस तरह ही करना है। सिंपली आपको इस तरह फुल कर देना है दोनों साइड से, लेफ्ट साइड और राइट साइड से। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद इफेक्ट पे आना है, आर्टिस्ट पे आना है, और ये टिनी प्लेनेट वालन, और ये टिनी प्लेनेट के नाम से जो इफेक्ट है उसके क्लिक करना है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव करना है, सेव एज पीएनजी कर देना है, ठीक है। उसके बाद वापसी सीआर पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, वाइट कलर का बैकग्राउंड लेना है। वापसी क्रॉप पे क्लिक करना है, उसके बाद क्रॉप पे इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद शेप पे आना है, शेप्स पे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद ये राउंड वाला शेप लेना है। उसके बाद कलर पे सिलेक्ट करना है, ये येलो कलर लेना है। उसके बाद थोड़ी साइज बड़ी कर देनी है, ये लेफ्ट साइड लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये डुप्लीकेट तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है, इसको ऊपर ले जाना है, तो भी इस तरह लगा देना, ठीक है। दोनों की सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, ये हमारा बैकग्राउंड बन गया, ठीक है। एड फोटो पे आना है, उसके बाद मॉडल को ऐड करना है, कटआउट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये फर्स्ट वाला ऑप्शन पर्सन पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। हमारा कटआउट बन के तैयार है, ठीक है। फिर इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ बाहर क्लिक करना है, फिर एड पे आना है। उसके बाद जो हमने राउंड सर्कल बनाया उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद शेप्स पे आना है जी। उसके बाद नीचे राउंड वाला सिलेक्ट करना है, उसके बाद जितना आपको लेना उतने साइज को ये ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। रेड रेड, उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देना है, उसके साथ
उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड लेयर पे क्लिक करना है, मूव डाउन, ये दूसरे नंबर पे बीच वाला, ठीक है। उसके बाद फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद इरेज पे क्लिक करना है, हार्डनेस फुल कर देनी है, साइज को थोड़ा 40 पे रखना है, उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करना है, खाली लेफ्ट साइड जो भी एरिया है लेफ्ट साइड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ दोबारा राइट पे क्लिक करना है और देख लेना अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो सही कर लेना है। उसके बाद ओके पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद एड फोटो में आना है, इसका शेडो लगाना है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस शेडो को मूव डाउन कर देना है, दोनों के पीछे चला जाएगा, ठीक है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देना, लगे कि शूज का शेड हो रही है। उसके बाद बाहर क्लिक कर देना है, हमारा फोटो बन के तैयार है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, उसके बाद ये ऊपर सेव पे क्लिक कर, सेव एज क्लिक।